हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 13 मार्च हो गई, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है। 13 तारीख को शादी हुई थी मेरी, 13 मार्च को। और सुबह का नाश्ता पानी हो गया है और नहा धो के नया सूट पहन लिया आज मैंने सालगिरह वाले दिन। तो ये वाला सूट सिलवाया था, ऑरेंज वाला आपको दिखाया भी था, तो कल ही लेके आई थी मैं इसको। और देखो इसकी बाजू का डिजाइन, ये बाजू का डिजाइन बनवाया मैंने। और पैंट पे तो सिंपल ही है, पैंट का भी दिखाऊंगी आपको, पूरा दिखाऊंगी मतलब सूट कैसा लग रहा है। वैसे तो कलर बहुत ज्यादा सुंदर है, ये कलर मेरे पास था भी नहीं, बहुत सालों बाद मैंने ये कलर का सूट पहना है। वैसे सुंदर है, पूरा लुक दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और अभी मेरे को मतलब कंघी करनी है और मम्मी से है ना, आज मैं चोटी बनवा रही हूँ, तो पहले मम्मी से चोटी बनवा लेती हूँ, हेयर स्टाइल बनवा लेती हूँ मतलब अपना, फिर आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। और आज तो मम्मी से मैं नया हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ। एक साइड का तो मम्मी ने बना दिया ऐसे घुमा घुमा के, बालों को थोड़े थोड़े बाल लिए और घुमा के और पीछे ऐसे पिन लगा दी है। अभी दूसरी साइड का बना रही है मम्मी। पहले मम्मी है ना मेरे बहुत हेयर स्टाइल बनाती थी, ऐसे वीडियो में देखती थी जूड़ा वगैरह और फिर मेरे ऊपर ट्राई करती थी। आज भी वीडियो में देख रही थी ये वाला हेयर स्टाइल और मेरे का बना दिया हेयर स्टाइल है। हो गया इसके बाद कुछ अलग अटके ठीक है। सही मन में तो सही लगा, बाकी दाम बताइए कैसे लग गया सही बना दिया मम्मी ने मेरा हेयर स्टाइल और ये वाला हेयर स्टाइल बनाया, बस ऐसे बाल घुमा घुमा के और यहाँ पिन लगा दी। और यहाँ पे है ना वो भी लगा सकते हैं, वो क्लिप सी आती है ना बिल्कुल छोटी छोटी बीट सी, तो वो लगा सकते हूँ। वो लगाने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लगे, पर मेरे पास वो है नहीं। अब की बार है ना खरीद के लाऊंगी, फिर कभी शादी होगी या कोई फंक्शन होगा ना तो उसमें ऐसे हेयर स्टाइल बना के वो लगा के तब सही लगेगा है ना। वो लेके आऊंगी अब की बार, मार्केट जाऊंगी तब। लेकिन अब की बार तो ऐसा ही काम चला लिया बस अब थोड़ा सा अलग हो गया, नहीं तो सेम सेम सेम। मेरी बहन भी बोलती रहती है सेम बालों को करके आ जाती है हर रोज, में क्या करूं मेरे को कुछ आता ही नहीं बनाना, पर आज थोड़ा सा अलग स्टाइल हो गया है ना। और अभी मेरा सूट देख लो पूरा। पैंट पे तो ये वाला डिजाइन क्या टेलर भैया ने डिजाइन निकाला ही नहीं, मैंने ये बोल दिया था अपनी मर्जी से निकाल देना कुछ भी, और बाजू का मैंने भेज दिया था, पर है ना उसने डिजाइन निकाला ही नहीं। और तब मैंने कल मैंने फ़ोन किया ना तो भैया बोले मैंने तो निकाला ही नहीं, अम्मा मेरे को नहीं पता, आप मोती लगा दो कैसे भी डिजाइन निकाल के। तो भैया ने बस ये सिंपल एक कट लगाया और इसमें मोती लगा दिए, तो ये वाला पैंट का डिजाइन बनाया सिंपल सा। और बाजू का मैंने भेज ही दिया था तो ये वाला डिजाइन भेजा था, इसमें भी सफ़ेद कलर के मोती लगा दिए क्योंकि इस पे सफेद कलर की वो रेखा था ना वर्क इस नोट पे, तो मैंने इसलिए ये वाले मोती लगवाए हैं। और देख लो कैसा लग रहा है। ये देखो मम्मी का सूट, नया नया सूट पहना, ये वाला सूट लेके आई थी एक तो कल मैं सिलवा के। सिंपल सोबर सा सूट है, लाइट कलर का, चुन्नी पे और कमीज पे सेम वर्क है। ये वाला सूट आज मम्मी ने पहन लिया है सुंदर नहीं नहीं पहन लिया था मैं नए नए सूट गाड़ लिए हैं। नमस्ते आंटी जी, बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू थैंक यू। बढ़िया से गिफ्ट ला के दूंगी ना, गिफ्ट की नहीं, आप आए जाइए टाइम पर, गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आंटी का जाने की जल्दी थी है ना, उसमें जान जान में ध्यान रह रहा था, भूल गई मैं वो बात। कोई नहीं कोई नहीं, मले फिर ना याद है तो शाम में दिलवाते हैं याद। जैसे मैं सुबह पूछूं थी आपसे कि आप कितने बजे जाओगे, 6 बजे मतलब कै बज जाएंगे, उससे पहले ही आंटी रेट कर लेंगे। आंटी जी मेरी मेरी नहीं है नर्सरी, उसकी भी है तमीज करे जा, सब मेरे तो कोई करता ही नहीं सुमित को भी विश कर दो अंदर है बोला बाथरूम में गया होगा जोड़ी बनी रहे और खुशियां दे। थैंक यू आंटी जी थैंक यू
और अभी लग गई हूँ मैं पार से झाड़ू लगाने। वैसे काम वाली दीदी है ना, झाड़ू पोछा करके चली गई थी, लेकिन आज हमारे यहाँ लकड़ी का काम चल रहा है ना, मतलब लकड़ी काट रहे हैं यहाँ पर, और जब काटते हैं तो ये चूरा सा इतना गिर जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो सुबह से ही ये काम चल रहा था, तो इसलिए बाहर से हमने झाड़ू पोछा करवाया ही नहीं था। और अभी जो लकड़ी वाला भैया है ना, वो अपना काम निपटा के चला गया, मतलब कल आएंगे, आज तो आज का काम तो हो ही गया था, तो हाँ चलो झाड़ू लगा दूँ। इतना बुरा दिन हो रखा था ना बाहर से, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो ये काम करते हैं तब हो ही जाता है इतना बुरा दिन, तो अभी मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी शाम के टाइम बारिश भी आ गई है, ये देखो सर्दी जाके ही नहीं देती। ये सोचते हैं ना भाई चली गई सर्दी, दो तीन दिन धूप निकलती है, फिर से बारिश होनी शुरू हो जाती है, मौसम ऐसा कर देता राम, जैसे कि बस ठंड दोबारा से आ गई है। तो आज भी ऐसा ही मौसम कर रखा है, बारिश आ गई है हमारे यहाँ। तो किस किस के यहाँ बारिश हुई है आज बताना आप सब भी। ये देखो अभी थोड़ी तेज़ हो गई है बारिश, तो मौसम ऐसा हो रखा है। वैसे तो अच्छा लगता है ना ऐसा ऐसा मौसम, तब धूप नहीं होती, पर ये मौसम गर्मी में ही अच्छा लगता है, सर्दी में तो इस मौसम को देख के और भी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। और अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए देखो मैंने थोड़ी सी सजावट कर दी है, ज़्यादा नहीं, तीन बैलून फुलाए थे, और हैप्पी एनिवर्सरी का ये टांग दिया है, ऊपर तीन बैलून लगा दिए, बस हल्की फुल्की सी, मतलब सिंपल सी डेकोरेशन कर दी है मैंने। और सुमित है ना, अब की बार पेस्ट्री लेके आए हैं, केक हमने मना कर दिया था, पहले तो बोल रहे थे केक ले आऊं, पर मैंने मना कर दिया, केक कोई खाता तो है नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता, मम्मी का बर्थडे का केक अभी तक रखा है। तो मैं बोली माँ पेस्ट्री ले आना, चार पेस्ट्री ले आना, तो आज ही खा के ख़त्म कर देंगे, और साथ में ये वाला सूखा जो केक होता है ना ये भी ले आई। और पेस्ट्री देखो कितनी टेस्टी है ना, इतनी टेस्टी लगी थी, फ्रूट की पेस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो ऐसी ऐसी तो चीज़ें खाने का मन करता, बस केक है ना वो एक बार ही खाया जाता, फिर तो वो रखा ही रहता है, तो इसलिए हमने केक के लिए मना कर दिया था। क्या नाम इसका? केक है, और क्या? बाद में उतार लेंगे, या उतार ले अभी सिलवाया था वही सूट है, देखो आंटी का पंजाब में वाला, सही है आंटी, आप तो कपड़े चेंज कर लो, जाओ जल्दी। आंटी जा रही है हांगकांग आज 6 बजे की, आंटी की कैब, मतलब 6 बजे जाएगी। चलो उठ लो, ये ना वो चेंज कर रहा है, मैं छोरी है छोरी रेडी हूँ, आदमी आका सही अपना जो से कपड़े पहने वही पहन कर चलते हैं। चलो आंटी जी काट दें केक नहीं पेस्ट्री, पेस्ट्री मंगवाई है, केक तो रखा था मैंने ग्रुपर से चार बार कर रखा था। नहीं आंटी कोई खाता नहीं केक, पेस्ट्री अपने थोड़ी सी आई है अभी खा जाएंगे, इसलिए वो रखा रहे कई कई दिन तक फ्रिज में, फिर अच्छा नहीं लगता। वो मेरे वाला तो ईवती रखा है, हाँ कोई नहीं खाता। आज हमने पेस्ट्री मंगवा ली, चलो बोल लांगा ना पा हाँ अपने अपने काटियो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कोई भी खा ले। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, सदा सागन रहो, आपकी खूब लंबी उम्र हो, ढेर सारी खुशियां दे भगवान, सारी मन हाँ बोलो, बढ़िया बढ़िया खुशियां दे भगवान, अच्छा अच्छा काम चले। आपने थोड़ा ना उठा है, बैठ जा आप जाओ पहले पहले ना कविता ना,
पहले तो सारे जने होया करदे पुनीता रितुर कृष्णार मैं दीपिका नीरू सारे जने हो तो कितना बढ़िया लगे। हाँ आप खाओ पहले ईब की बार तो बस नहीं फीके फीके ईब उनके जाए पाछे तो नहीं फीकी फीकी मने और आप जल्दी आ जाइयो ठीक है महाराज जी नहीं लगेगा नहीं तो सरक जा थोड़े बहुत जगह दे दे यो तो वे चम्मच तक होगा भाई कौन आजकल हाथ बरास है नहीं नहीं सूट सुदेश को नहीं सूट एक साथ ही की बार ठीक है कोई जानू नहीं कहो जा कि मैं ती पहले खुआ मैं ती पाते को चलो मन गया नौसरी मेरे लगाया था कहीं आंटी की कैब आ गई है तो आंटी का हांगकांग जाने का टाइम आ गया है फिर तो बहुत दिनों में आएगी मतलब एक डेढ़ महीने में आएगी जप्पा निकाल के जप्पा पूरा करके ही पुनीता को साथ में लेके तो अभी बाय बोलाते हैं आंटी को फिर तो कई दिनों में दिखेगी आंटी ठीक है आंटी जी जल्दी आना हाँ अभी तो गाड़ी में ही बैठोगे एयरपोर्ट पे उतरो ना उधर अपने काले चश्मे सजा लियो हाँ वहाँ तो चंदना मिलेगा एयरपोर्ट पे भी तो इतनी लाइट जड़ा फोटो खिंचवाड़े काले चश्मे सुबह के 6:30 हाँ सुबह सुबह पहुंच जाओगे उनके उठते ही सही आंटी बाय आंटी जी बाय मिलते हैं थोड़ा चल पड़ी है आंटी जी तो हांगकांग और हांगकांग में है ना सुबह सुबह पहुंच जाएगी 6:00 पहुंच जाएगी आंटी जी वैसे ज्यादा दूर नहीं है हांगकांग का ज्यादा टाइम नहीं लगता थोड़े ही घंटे लगते और अभी है ना शाम के 6:30 गए हैं आंटी को सी ऑफ कराए हैं हम और अभी आज है ना बाहर खाना खा के आएंगे ना तो सुमीर के बर्थडे पे खाने गए और ना मम्मी के बर्थडे पर आज हमने सोचा था आज तो हम पक्का जाएंगे और आज बारिश हो रही थी ना सुमित ये बोले आज भी तुम्हारा प्लान कैंसिल होएगा मां आज तो होने दे चाहे बारिश भी हो जाए तब भी हम खा के आएंगे बाहर जरूर आज प्लान कैंसिल नहीं करेंगे और खाना है ना हम थोड़ा लेट खा के आएंगे तो फिर व्लॉग भी लेट हो जाएगा तो खाना खाने जाएंगे ना वो वाली क्लिप अगले व्लॉग में आएगी और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना बाय बाय।